What's up guys, welcome to another total video. और आज के total video पे guys हम बात करने वाले हैं मी अमर की preset को कैसे आप अपने Elite Motion पे import करके उसको use कर सकते हो। और guys इस video को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा time लगा क्योंकि guys इस XML को जब भी मैं open करके screen recording on करता था तब guys वो screen recording cancel हो जाता था, जिस वजह से guys मुझे ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुआ। बट आप लोगों के लिए finally ये guys total मैंने बना लिया। और guys अभी तक Telegram को join नहीं किया तो फटाफट Telegram को join कर लो क्योंकि इस video का overlay screen पे सब मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने XML डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे मैं XML भी दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना और Elite Motion पे इंपोर्ट कर लेना। और अभी हम चलते हैं सीधा Elite Motion के अंदर। और Elite Motion को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है प्रोजेक्ट पे, एंड प्रोजेक्ट पे जाने के बाद गाइज आपको मेरा XML जो होगा उसको यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट ओपन कर लेता हूँ, एंड ओपन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर बहुत सारे लेयर दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रुप 1 लिख के एक लेयर होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है और एडिट ग्रुप पे जाके गाइज आपको यहाँ पर जो स्लो मोशन वीडियो होगा उसको यहाँ पर ऐड करना है। कलर एंड फिल पे जाना है, मीडिया पे जाना है, एंड जाके यहाँ पर आपको जो स्लो मोशन वीडियो होगा या फोटो जो भी आप ऐड करना चाहते हो उसको यहाँ पर ऐड करना। और अगर आप अपना कोई खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप सेम टू सेम मैं जैसे ऐड कर रहा हूँ आप वैसे ऐड करते जाओ। एंड बैक करने के बाद गाइज आपको इसके बाद और एक ग्रुप दिखेगा, इस पर जाना है, जाके एडिट ग्रुप पर जाना है। एंड एडिट ग्रुप पर जाने के बाद लास्ट लेयर पर गाइज 3 नंबर लेयर पर आपको उस जो स्लो मोशन वीडियो होगा उसका एक जो फोटो आपको यहाँ पर ले लेना है एंड उसको यहाँ पर आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसके ऊपर वाले जो क्राउन होगा गाइस ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और अगर आपके पास इस क्राउन के PNGs नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारे क्राउन के PNG अपलोड कर दिया था, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद आपको चले जाना नेक्स्ट ग्रुप पे। नेक्स्ट ग्रुप पे जाने के बाद आपको एडिट ग्रुप पे जाना है और यहाँ पर गाइज आपको 2 फोटो ऐड करना है। तो आप सेम टू सेम फोटो यहाँ पर दोनों लेयर पे ऐड कर लेना। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ आप सेम टू सेम ऐड कर लेना। और गाइज वीडियो अभी भी देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना क्योंकि वीडियो गाइज आपको आगे जाके तो लाइक करने वाले हो, तो लाइक कर लेना। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे जो लाल कलर बटन है उसको दबा दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो फोटो ऐड हो जाने के बाद आपको जाना है उसके बाद वाले ग्रुप पे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एंड जूम करने के बाद गाइज आपको जाना है इस ग्रुप पे, एडिट ग्रुप पे जाना है। एंड जाने के बाद यहाँ पर गाइज आपको जो होगा फर्स्ट लेयर पे आपको कोई अलग सा फोटो ऐड करना है। नेक्स्ट मतलब आपको कोई अलग सा फोटो ऐड करना है, एंड पहले वाले लेयर पे मतलब जो थर्ड लेयर होगा वहाँ पर आपको जो पहले फोटो ऐड किया था गाइस उस फोटो को यहाँ पर आपको ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद आप इसको बैक कर देना। ऊपर वाले जो लेयर पे PNG था गाइस उसका भी लिंक मैंने दे दूंगा ओवरले पे, तो आप जाके डाउनलोड कर लेना एंड इसको यहाँ पर भी इम्पोर्ट कर लेना। और गाइस इसको यहाँ पर करने के बाद गाइस आपका जो ट्रांजिशन होगा ये कुछ ऐसा बन के आएगा। तो मेरे यहाँ पर लैग कर रहा था, तो ये आप बाद में एक्सपोर्ट करके देख लेना। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट ग्रुप पे जाना है। ग्रुप पे जाने के बाद गाइस यहाँ पर ग्रुप 1 होगा, ऊपर वाले ग्रुप पे जाना है। एंड यहाँ पर गाइस बहुत बंदों के प्रॉब्लम होता है जो कवर वाले फोटोज़ है वो कैसे एडिट करते हैं, तो बहुत से गाइस यहाँ पर तरीके हैं। तो मैं सबसे पहले पिक्सेल ऐप जो होगा पिक्सेल ऐप से मैं करता हूँ, PSCC से भी करता हूँ, पर यहाँ पर पिक्सेल ऐप का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर गाइस बहुत ईजी से हो जाता है। तो उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस इसको डिलीट कर देना है, एंड डिलीट करने के बाद इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। एंड इसके बाद गाइस आपको इम्पोर्ट करना है आपका जो फोटो यूज़ करने वाले हो उस फोटो के, और कवर जो भी कवर आप यूज़ करने वाले हो उस कवर को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। अगर आपके पास कवर नहीं है तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और फोटो आप अपना हिसाब से जो फोटो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर ऐड कर लेना। तो मैंने यहाँ पर फोटो को ऐड कर लिया, एंड यहाँ पर कवर भी मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इम्पोर्ट करने के बाद गाइज आप इसको थोड़ा जूम करके आपका फोटो के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेना। और गाइज मैं यहाँ पर एक ही फ़ोटो को करके दिखाने वाला हूँ, अगर मैं हर एक फ़ोटो को करके दिखाऊंगा तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप खुद कर लेना। और मैं यहाँ पर एक ही फ़ोटो को करके दिखा रहा हूँ। और अगर गाइज आपका कोई भी फ़ोटो का जो है नीचे वाला पार्ट या ऊपर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको इरेज करके अपने फ़ोटो के हिसाब से मतलब कवर के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जैसे कि गाइज देख सकते हो मैं यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को थोड़ा इरेज करके एडजस्ट कर रहा हूँ, तो आप ऐसे कर लेना। एंड
कंप्लीट हो जाने के बाद गाइज आप यहाँ पर जाके सेव एस प्रो इमेज को देना एंड यहाँ पर अल्ट्रा पे दे के सेव टू गैलरी कर लेना और ये आपके गैलरी पे सेव हो जाएगा। एंड सेव होने के बाद आपको ओपन करना है एलाइट मोशन दोबारा से, और एलाइट मोशन को ओपन करने के बाद गाइस आपको फास्ट वाले लेयर पे जो फोटो आप टॉप पे रखना चाहते हो उसको यहाँ पर ऐड कर लेना। तो मीडिया पे जाके गाइस यहाँ पर मैं इस फोटो को रखने वाला हूँ टॉप पे, तो इसको मैंने ऐड कर लिया। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर जाके और एक फोटो मतलब PNG आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है एंड उसी PNG को गाइस आपको उसके नीचे वाले लेयर पे भी ऐड करना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी सेम टू सेम करते जाओ। एंड ऐड कर लेने के बाद गाइज आपको इसके वाले मतलब चार नंबर वाले लेयर पे भी आपको कोई और एक फोटो मतलब PNG यहाँ पर ऐड करना है एंड उसी सेम PNG को आपको लास्ट लेयर पे भी ऐड कर लेना है। एंड ऐड हो जाने के बाद गाइज यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर बैक कर लेना है, देख सकते हो ये कुछ ऐसा बन के आएगा। एंड इसके बाद आपको बैक करके यहाँ पर गाइज आपको कोई भी एक फोटो ऐड कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर जाके टेलीग्राम पे जा रहा हूँ एंड जाने के बाद गाइज यहाँ पर मैं इस फोटो को ऐड करने वाला हूँ, तो आप इसको मतलब कोई भी फोटो यहाँ पर आप ऐड कर लेना जो आपको अच्छा लगे। एंड जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर चले जाना है इसके नेक्स्ट लेयर पे एंड यहाँ पर गाइज देख सकते हो ये मतलब अच्छे से नहीं देख रहा, तो इसके बाद आपको इस लेयर पे जाना है। एंड जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लेना है, कलर एंड फील पे जाके मीडिया पे जाके यहाँ पर आपको कोई भी एक फ़ोटो ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने गाइस यहाँ पर देख सकते हो इसको ऐड करो एंड ऐड कर लेने के बाद आपको इसको बैक कर लेना है। बैक करके गाइस आपको चले जाना है उसके बाद जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप पे। एंड यहाँ पर गाइस मेरा थोड़ा लैग कर रहा है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंड इसके बाद गाइस देख सकते हो ये जो ग्रुप है यहाँ पर जाना है एंड एडिट ग्रुप पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपने जो PNG बनाया था पिक्सेल ऐप से उसको यहाँ पर ऐड करना है। एंड मीडिया पर जाके गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको ऐड करो, तो आप सेम टू सेम यहाँ पर ऐड कर लेना। एंड ऐड करने के बाद गाइस उसके नीचे वाले लेयर पे आपको एक बटरफ्लाई का स्क्रीन पैक जो होगा ओवरले आपको उसको ऐड करना है। तो मैं गाइस यहाँ पर देख सकते हो इस ओवरले को मैंने ऐड किया था, तो आप इसको ऐड करना चाहते हो तो इसको ऐड कर सकते हो। एंड ऐड करने के बाद गाइस आपको आना है यहाँ पर, आने के बाद इस लेयर पे गाइस आपको क्या करना है आपको और एक PNG यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैं जो है इसको ऐड कर रहा हूँ, तो आप कोई भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है इसके नीचे वाले लेयर पे, ठीक है, लास्ट वाले लेयर पे आपको एक फ़ोटो ऐड करना है, ठीक है। जो फ़ोटो आपको अच्छा लगे आप उस फोटो को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं गाइस यहाँ पर इस फोटो का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर यूज़ कर लेना। एंड यूज़ करने के बाद गाइस आप इसको बैक कर लेना। बैक करने के बाद आपको आना है नेक्स्ट वाले ग्रुप पे एंड नेक्स्ट ग्रुप पे आने के बाद एडिट ग्रुप पे जाना है एंड यहाँ पर आपको दो फोटो ऐड करना है। मैं जैसे कि गाइस यह इस फोटो को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर गाइस मैं इस फोटो का यूज़ कर रहा हूँ, आप गाइस कोई भी फोटो यहाँ पर यूज़ कर लेना। एंड इसके बाद आप इस देख सकते हो इसका ट्रांजिशन कुछ ऐसा होने वाला है। एंड इसके बाद आपको गाइस बैक करके जाना है उसके बाद वाले ग्रुप पे। एंड अभी से गाइस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इस लेयर के बाद गाइस आपके लिए ये वीडियो थोड़ा इजी भी होने वाला है एंड थोड़ा टफ भी होने वाला है। देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पर दोनों फोटो को ऐड कर रहा हूँ एंड ऐड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर आ जाना है उसके बाद वाले ग्रुप पे नहीं सॉरी गाइस आपको आना है 1240 सेकंड के बाद जितने भी ग्रुप या होगा लेयर होगा उनको आपको एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। 1240 सेकंड के बाद जिसने आप मतलब आप लास्ट में जो है लड़की का फोटो दो ऐड किया था उसके बाद भी जितने भी क्लिप है उसको आपको एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको देख लो अगर कोई क्लिप छूट जाता है तो उसको भी सिलेक्ट कर लेना है 1240 सेकंड के बाद जितने भी क्लिप होगा। एंड उनको सिलेक्ट करने के बाद एक साथ आपको इन लेयरों को डिलीट कर देना है। अच्छे से देख लेना गाइस 1240 सेकंड के बाद वाले क्लिप को आपको डिलीट करना है, ना कि उसके पहले वाले क्लिप को। एंड डिलीट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, देखो ये लड़की का जो ट्रांजिशन है इसके बाद 1240 सेकंड के बाद वाले क्लिप को डिलीट करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना है। एंड आपने जो स्लो मोशन किया था उन लेयर को और फास्ट लेयर को यहाँ पर ग्रुप देख सकते हो, ट्राइंगल ग्रुप और यहाँ पर जो आपका ये फोटो है इसका भी आपको अनसिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद गाइज आप देख सकते हो मैंने जो जो ग्रुप को अनसिलेक्ट किया आप भी सेम उसी लेयर को अनसिलेक्ट कर लेना है। एंड नीचे गाइज आपको सॉन्ग को भी अनसिलेक्ट कर लेना है एंड देख सकते हो यहाँ पर सॉन्ग को इसको भी अनसिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद गाइज आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इन सारे लेयर को ग्रुप बना लेना है एक साथ। एंड ग्रुप बनाने के बाद गाइज आपको क्या करना है इस ग्रुप को आपको कॉपी कर लेना है एंड 1240 सेकंड के लेंथ पे आपको आ जाना है। एंड आने के बाद गाइज इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है।
एंड पेस्ट करने के बाद गाइज आपको उसको होल्ड करके नीचे लेके आ जाना है। एंड आने के बाद आपको क्या करना है गाइज, पहले जो ग्रुप होगा इसको आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करके ऊपर 3 डॉट होगा इस पर क्लिक करोगे तो अनग्रुप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको इसको अनग्रुप कर देना है। एंड अनग्रुप करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद जो भी ग्रुप है आपने उसको पेस्ट किया था इसको भी आपको यहाँ पर सेम अनग्रुप कर लेना है। एंड इसके बाद आपको थोड़ा सा एक काम होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है देख सकते हो यहाँ पर नल होगा, ठीक है, एक लेयर के ऊपर यहाँ पर नल होगा ग्रुप टू, इसके ऊपर देखो ट्राइंगल के नीचे नल है, तो आपको क्या करना है ग्रुप टू पे यहाँ पर क्लिक करना है। एंड ऊपर गाइज आपको डिलीट के साइड पे और एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नल वन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइज इस ग्रुप के साथ नल कॉपी हो जाएगा और ऐसे करके आपको और भी 3 होगा नल, तो यहाँ पर देख सकते हो सामने और एक नल है गाइज, इस नल लेयर को भी उस ग्रुप उसके नीचे वाले जो ग्रुप होगा उस पर क्लिक करके ऊपर जाके यहाँ पर नल टू पे आपको क्लिक करना है। एंड ऐसे करके गाइज और भी 2 नल होगा उसको भी आपको सेम टू सेम कर लेना है। तो गाइज जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी सेम टू सेम करते जाओ, यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप टू यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको नल वन होगा इस पर क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। एंड इसके बाद इसके नीचे और एक देख सकते हो, यहाँ पर नीचे वाले ग्रुप पे क्लिक करना है एंड ऊपर जाके इसको नल टू पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइज ये जो होगा नल अच्छे से कॉपी हो जाएगा। एंड इतना करने के बाद गाइज आपको क्या करना, प्लस पे क्लिक करके आपका जो सॉन्ग होगा उसको भी आप इंपोर्ट कर लेना। एंड इंपोर्ट करने के बाद गाइज आप इसको हाई क्वालिटी पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और गाइज आज का वीडियो इतना तक ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा ट्यूटोरियल आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर बनाने के लिए कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना। और नीचे गाइज आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए होगा तो टेलीग्राम से आप सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही गाइज आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो गाइज मुझे जाके इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को जितना हो सके हेल्प करने की ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।